आप लोगों का फिर से welcome है और आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है की वेजिटेर जर्मनी में क्या है या आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं और वेजिटेरियन है वीडियो उसी के ऊपर होगा साथ ही साथ हम यहाँ पर एक कैसल है वहाँ आए तो हम धीरे धीरे जाएंगे वहाँ कवर करते जाएंगे सारे पॉइंट और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा अगर आप नए आए आओगे कि आपको कहाँ से क्या लेना चाहिए या किस रेस्टोरेंट से खाना चाहिए क्योंकि ये जो है वो सारा मेरा एक्सपीरियंस है या हमारा एक्सपीरियंस है तीन साल रहने के बाद हमने भी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे जो है वो फिगर आउट करी है कि सुपर मार्केट से क्या लेना चाहिए जर्मन रेस्टोरेंट से क्या खाना चाहिए या फिर जो हमारा इंडियन रेस्टोरेंट या इटालियन रेस्टोरेंट है वहाँ से क्या खाना चाहिए तो वीडियो में वही सब कुछ होगा हमारा एक्सपीरियंस जो हम आपसे शेयर करेंगे तीन साल का एक्सपीरियंस तो वीडियो जो है वो पूरा देखना और आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी है वो नीचे जरूर कमेंट करना पर हाँ उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है तो सबसे पहला है कि आप अगर जर्मन फूड या यहाँ का लोकल फूड या ऐसी चीज़ें जो हमने फिगर आउट करी है अगर आपको जर्मन रेस्टोरेंट्स में ट्राई करनी है वो कौन कौन सी है तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्पेस्ले स्पेस्ले जो है वो जर्मन जो है वो डिश है बहुत ही टेस्टी होती है चीज़ और पास्ता रिलेटेड होती है पास्ता जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है ये मुझे भी नहीं पता था लेकिन जब मैंने ट्राई की तो आई रियली लाइक डिट ये जो चीज़ है या ये जो डिश है वो वहाँ पर आपको काम आएगी जहाँ पर आप ऐसी जगह मतलब बिल्कुल गांव में हो और वहाँ पर और कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए जो वेजिटेरियन है इसके अलावा स्पार्कल जो है वो अच्छा है काटोफिल पफर जो कि जो काटोफिल जो होता है वो पटैटोज़ होते हैं आलू होते हैं उसकी भी बहुत सारी यहाँ पर डिशेस होती हैं देन सेलेड सैलड तो हर जगह मिल ही जाता है पर ऑफकोर्स इतना अच्छा नहीं होता एंड देन उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमें लगा वो है टर्किश फ़ूड या फिर आप बोल सकते हो डोनर शॉप जहाँ पर पिज़्ज़ा डोनर ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं कुछ चार पांच डिशेस होती हैं जो वेजिटेरियन होती हैं और टेस्टी होती हैं आप अपने हिसाब से उसमें स्पाइसेस डाल सकते हो और खा सकते हो और टेस्टी होता है देन ऑल्सो एक चीज़ जो फिगर आउट करी है वो है नूडल्स नूडल्स भी यहाँ पर वेजिटेरियन मिल जाते हैं अगर आप किसी थाई रेस्टोरेंट या एशियन रेस्टोरेंट में जाते हो आप वेजिटेरियन नूडल्स जो है वो ट्राई कर सकते हो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो अगर आप बाहर हो और ये सिर्फ स्पेसिफिक टू जर्मनी नहीं आसपास की जितनी भी जो कंट्रीज हैं उसके लिए भी ये जो है वो सही है और इसके अलावा पिज़्ज़ा पास्ता लजानिया जो है वो भी जो इटालियन रेस्टोरेंट है उसमें वेजिटेरियन ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं और ऑफ कोर्स जो इंडियन रेस्टोरेंट है उसमें भी आपको काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलेंगे और काफ़ी सारे तो नहीं बोलूँगी मैं ये बोलूँगी हम लोग जो भी खाते हैं वो सारा ही मिल जाएगा इंडियन रेस्टोरेंट में पर हाँ एक चीज़ और ज़रूर मैं बता देती हूँ इंडियन रेस्टोरेंट ढूँढना कुछ जो छोटी जगह होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है तो बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको हर जगह अवेलेबल होंगे इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दू से okay, जो ऑप्शन है जैसा सुरभि ने बताया कि जो रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन है वो थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते और आप रोज नहीं खा सकते तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि आप जो सुपरमार्केट्स होते हैं उनमें जाकर क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं सुपरमार्केट्स में जो कि चीप है अफोर्डेबल हैं आपके आस होते हैं आप डेली जाके खरीद सकते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं एक होता है रेडी टू ईट फूड जिसमें आजकल इंडियन काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं वेजिटेरियन तो फॉर एग्जांपल दाल के साथ राइस कुछ मिल जाता है कुछ करी के साथ राइस मिल जाता है बॉक्सेस में रेडी और सेकंड ऑप्शन होता है फ्रोज़न आइटम्स तो फ्रोज़न आइटम्स में जो हम जनरली खा रहे हैं काफ़ी टाइम से और खाते हैं और इतना हेल्दी नहीं होता लेकिन एक ऑप्शन है पेट भरने के लिए वो होता है आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा बहुत सारे तरह के पिज्ज़ा में शुरू में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है ढूंढने के लिए कौन सा वेजिटेरियन है कौन सा किस में क्या क्या तरह का मीट मिला हुआ है तो उसका ऑप्शन है आप उसको पलट कर दो वर्ड एक वर्ड याद कर लो वेगिटारिस मतलब वेजिटेरियन और अगर वीगन लिखा तो वीगन तो होता ही है तो उसमें मीट नहीं होता सेकेंड चीज़ आपकी होती है जैसे कि चीज नगेट्स हो गए आ, एक होता है कार्टोफिल सलाड कार्टोफिल सलाड मेरा पर्सनली फेवरेट है तो वो क्या होता है आलू का कार्टोफिल मतलब आलू तो वो दही की तरह मिक्स करके वो सलाद जैसा बना के देते हैं वो अच्छी चीज़ है पेट बढ़ता है उससे कुछ एशियन आइटम्स भी होते हैं जैसे आप एशियन समोसे ले सकते हैं चिली चीज़ नगेट्स ले सकते हैं तो ये कुछ ऑप्शन है जो आपको सुपर मार्केट में हर कहीं ईजीली मिल जाएंगे और काफ़ी सस्ते हैं तो एक चीज़ और जो होती है जितने भी ये बोल स्पेसिफ़िक रेस्टोरेंट होते हैं ना जहाँ पर आपको सलाद या राइस बोल मिलते हैं वहाँ पर आपको वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत मिल जाएंगे फॉर एग्जांपल सलाद के साथ बोल ले सकते हैं आप उसमें राइस होगा कुछ वेजीज ऐड कर सकते हैं वो ऊपर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेजेस या चटनी वो सब ऐड करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी वेज वेज ऑप्शन उप, मिलते हैं और आपको और आप आज के टाइम पे यूरोप में किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे उनके पास एक या दो वेजिटेरियन डिश तो ज़रूर मिल जाएगी आपको हंड्रेड परसेंट वरना फिर सलाद तो है ही एक और चीज़ एक और कमाल की बात तो दीपक ने जो है वो सुपरमार्केट के बारे में बताया कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए लेकिन कमाल की बात ये है कि जर्मन सुपरमार्केट्स जो होते हैं वहाँ पर अब मतलब पहले तो नहीं था पर अब जो है वो इंडियन जो रेडी टू ईट चीज़ें हैं वो भी मिलने लगी हैं उसमें मैंने क्या क्या देखा है कॉमन एक तो अपनी दाल मखनी वेजिटेरियन में पनीर मसाला पनीर बटर मसाला ये जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो अवेलेबल होता है ढूंढने के लिए आप इंटरनेशनल सेक्शन में जा सकते हो जो एडिका है रेवे है और वहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास टाइम नहीं है और बहुत ही ज़्यादा चीप है तो दो यूरो या तीन यूरो का वो आ जाता है आप राइस के साथ या रोटी के साथ उसे खा सकते हो अब जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है जो कि हम सब लोगों का जो है वो सेवर है वो है इंडियन सुपर मार्केट या इंडियन ग्रॉसरी मार्केट जहाँ से हम लोग जो है वो महीने की शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर आपको इंडियन सारी ही चीज़ें मिल जाएगी इवन आपको इंडियन फ्रोज़न आलू के पराठे से लेकर पनीर के पराठे से लेकर समोसा इडली सारी कुछ चीज़ें मिल जाएगी फ्रोज़न प्लस जो है अगर आपको खुद से बनाना है तो वहाँ से सामान ले सकते हो पर ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिलेंगे प्लस यहाँ पर जो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स होती हैं स्पेशली म्यूनिक में या जो गार्ड बड़ी जगह होती है वहाँ पर आपको फ़्रेश जो है वो समोसे भी मिलते हैं तो अगर आप जाओ तो वहां पर समोसे लेना मत भूलना सिर्फ एक यूरो के मिलते हैं तो हम जब भी जाते हैं तो समोसे उस ज़रूर खाते हैं तो ये सारे थे गाइज हमारे ऑप्शन आप लोगों के लिए कि आपको वेजिटेरियन हो और यहाँ आ रहे हो तो डरो मत क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं बट हाँ हमें पता नहीं चलता जो हमने ये जो है धीरे धीरे जो है वो एक्सपीरियंस किया और, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है लास्ट चीज़ जो कि है यहाँ पर ब्रेकफास्ट में हम लोग जनरली खाते हैं वो होता है बटर क्रोइसेंट शायद मैं प्रोनउंसिएट नहीं सही से कर रही हूँ पर पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बहुत ही सेफ ऑप्शन है कभी भी आपको भूख लगे तो जर्मन सुपरमार्केट से ले सकते हो या फिर यहाँ ऐसे ही जाते हो तो बेकरी में कहीं पर भी मिल जाएगा तो भूख लगे तो भूखे मत रहना ये सारे ऑप्शन ज़रूर ट्राई करना और इन सब में से जितनी भी हमने आपको जर्मन डिशेज बताई या लोकल जो डिशेज बताई उसमें से आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी है वो नीचे लिखना कौन सी आपको नहीं पता है उसका कमेंट करना और अगर आप यहाँ पर आने वाले हो तो आप क्या ट्राई करोगे वो भी जरूर कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके जो दोस्त यहाँ आने वाले हों उनसे शेयर करना मत भूलना बाय